नमस्कार दोस्तों, आज हम शुगर फ्री हाई प्रोटीन एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे जो कि होगा ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक। इसे आप व्रत में पियेंगे तो थकान, कमजोरी कम महसूस होगी और भूख भी नहीं लगेगी। इधर हमने कुछ बादाम लिए हैं, थोड़े काजू हैं, मेलन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, केसर की कुछ पत्तियां हैं, कैल्शियम से भरपूर मखाने ले लिए हैं और कुछ अंजीर लिए हैं। अंजीर भी हड्डियों को मजबूत करता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसको हम सबसे पहले गर्म पानी में भिगो देंगे। आपके पास खजूर है तो खजूर भी इसी के साथ भिगोइए। सबसे पहले हम मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर कम से कम 3-4 मिनट तक हम इसे भूनते रहेंगे। अब हम एक मखाने को तोड़कर देख लेंगे। आराम से टूट गया, ये क्रिस्पी हो गया है। गैस को बंद कर देंगे। इसी बर्तन में हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी ड्राई रोस्ट करेंगे। बीज के चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ठंडे होने के बाद हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे इसी में। अब हमने जितना शेक बनाना है उस हिसाब से दूध ले लेंगे। दूध भी आप अपने हिसाब से लीजिए, फुल फैट ले सकते हैं या टोंड भी ले सकते हैं। इसे उबाल लेंगे। पहले हम दूध को पकाकर थोड़ा रिड्यूस करेंगे। इसी में केसर पत्ती डाल देंगे, अंजीर जो हमने भिगोई थी वो डाल देंगे, खजूर भिगोए हैं तो वो भी इसी स्टेज पर डालिए, थोड़ी हरी इलायची डाल देंगे। दूध को थोड़ा पकने देंगे। दूध थोड़ी देर उबल चुका है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स पीसा है उसको डाल देंगे। ये आपके ऊपर है कितना डालना चाहें आप। आप चाहें तो इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रख सकते हैं और जब यूज़ करना हो यूज़ करें। कम से कम 10 मिनट हमने इसे खूब पका लिया है, दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालकर पीसेंगे। इसमें हम चीनी न डालकर टेस्ट के हिसाब से थोड़ा शहद डाल लेंगे, थोड़ी बर्फ डाल लेंगे। पीस लेंगे अब हम इसे। ड्राई फ्रूट शेक को मैंने पीस लिया है। शुगर फ्री हाई प्रोटीन एनर्जी ड्रिंक तैयार है। व्रत में ये भूख नहीं लगने देगा और नॉर्मल डेज में ये वेट लॉस का काम करेगा। तो आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।